वेलकम ऑल। इडियम्स एंड फ्रेजेज में आज पांच जो पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेज का, उनमें पहला है अल्फा एंड ओमेगा, हिंदी है इसका आदि से अंत तक। दूसरा है डैम्प स्क्वीब, हिंदी है ऊंची दुकान फीका पकवान। फिर है स्टॉकिंग हॉर्स मतलब बहाना। फिर ब्लैक एंड वाइट मतलब लिखित, और लास्ट में गिव इन हार मान लेना। तो पढ़ते हैं इसे अल्फा एंड ओमेगा। आप जानते हैं ए और जेड, ए और जेड इंग्लिश अल्फाबेट्स का फर्स्ट और लास्ट लेटर है। ऐसे ही अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा ऐसे और ओमेगा ऐसे, यह ग्रीक अल्फाबेट्स का फर्स्ट और ओमेगा लास्ट लेटर्स है। अल्फा फर्स्ट, ओमेगा लास्ट लेटर है ग्रीक यूनानी अल्फाबेट का। तो जिस तरह से हम ए टू जेड कहते हैं, मतलब मैं ए टू जेड जानता हूँ किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट का, मैं कह दूं कि मुझे मैथ्स का ए टू जेड आता है, मतलब क्या शुरू से अंत तक आता है, ऐसे ही अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होगा आदि से अंत तक। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब क्या हो जाएगा, आदि से अंत तक। जिस तरह से ए टू जेड का मतलब होता है, इधर टू होता है लेकिन यहाँ पे एंड है, तो अल्फा एंड ओमेगा का मतलब आदि से अंत तक। मतलब किसी टॉपिक पे आपको शुरू से अंत तक, आदि मतलब शुरू होता है, शुरू से अंत तक पता होता है या पूर्ण जानकारी होती है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि अल्फा एंड ओमेगा आपको जानकारी है। राम शुड लर्न, राम को लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, राम को सीखना चाहिए। अल्फा एंड ओमेगा पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का शुरू से अंत तक, आदि से अंत तक पॉलिटिक्स को राम को लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। हमने अल्फा एंड ओमेगा का प्रयोग कर दिया। दूसरा है डैम्प स्क्विब, डैम्प इसे पढ़ते हैं डैम्प, डैम्प मतलब गिल्ला, भीगा हुआ, और इसे पढ़ते हैं स्क्विब, स्क्विब स्क्यू मतलब फुलझड़ी, फुलझड़ी, फुलझड़ी स्त्रीलिंग है, गिली गिली फुलझड़ी। आप बताइए फुलझड़ी देखते हैं कलरफुल अट्रैक्टिव, सबको फुलझड़ी को छोड़ने का मन करता है, जो भी अवसर होता है उस अवसर पे अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन वो फुलझड़ी और गिली हुई हो तो अट्रैक्टिव तो लगेगी लेकिन वो काम करेगी नहीं, जब हम उसको जलाएंगे तो जलेगी नहीं, मतलब अवसर पे वो काम नहीं करेगी, खाली दिखाने के लिए अच्छी लगेगी अगर गिली है तो। ऐसे ही किसी दुकान का नाम बहुत अधिक है, कोई पार्टिकुलर दुकान जिसका नाम ए है, ए पर स्वीट्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, लेकिन जब आप स्वीट खरीदने जाएं और स्वीट फीका हो या खराब क्वालिटी का हो, उसमें कम शक्कर हो, तो आप क्या कहेंगे, फीका है, खराब है, तो आप कहेंगे, आपके मुंह से यही निकलेगा, ऊंची दुकान फीका पकवान। मतलब क्या कि अच्छा दिख रहा है, अच्छा नाम है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसका क्वालिटी सामान का खराब है। ऐसे ही फुलझड़ी जो अच्छी दिखती है, डैम्प है, गिली है, काम नहीं करेगी, तो डैम्प स्क्वीब को ऐसे ही कहा गया, ऊंचा दुकान फीकी पकवान, सॉरी ऊंची दुकान फीका पकवान। देखिए मतलब हम जो दिख रहे हैं, खूब दिखावा कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पे काम करने में फेल हो जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं डैम्प स्क्विब, ऊंची दुकान फीका पकवान। सेंटेंस में यूज करते हैं, एक्शन ऑन टेररिस्ट बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों पर एक्शन कार्रवाइयां, जो एक्शन लेता है आतंकवादियों के खिलाफ, कार्रवाई करता है जो पाकिस्तान, वह हैज प्रूव्ड, साबित हुआ है, टू बी अ डैम्प स्क्विब, एक ऊंची दुकान फीका पकवान के जैसा, डैम्प स्क्विब साबित हुआ है। बोलता है कि हाँ हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, हमारे देश में कैसे रह सकते हैं, और सबको वह पनाह देता है अपने पास। तो कहते हैं कि एक्शन जो है पाकिस्तान के द्वारा टेररिस्ट पे, एक डैम्प स्क्विब के समान है। नाउ स्टॉकिंग हॉर्स, स्टॉकिंग का मतलब पहले होता है छिप कर शिकार करना, छिप कर शिकार करना, स्टॉकिंग हॉर्स मतलब हॉर्स के पीछे छिप कर शिकार करना,
स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब फिर क्या हो जाएगा, हॉर्स के पीछे छिप कर शिकार करना। लेकिन ये तो बहाना है, कैसे होता है, होता क्या है, जो शिकारी होता है हंटर, हंटर क्या करता है जंगल में एक हॉर्स का ढांचा, एक हॉर्स का ढांचा बना लेता है। हाँ, हॉर्स है ये, ढांचा बना लेगा और इसके पीछे छुप जाएगा। जो भी एनिमल्स हैं उस जंगल के एनिमल्स को लगेगा यहाँ पे तो हॉर्स है, चलते हैं, घूमते हैं, जहां जाना है, हॉर्स तो कुछ करता नहीं है, उन सबको पता रहता है एनिमल्स को, वो आएंगे पास में और शिकारी जो है हंटर है उनका शिकार कर लेगा। तो जो हॉर्स का यह जो ढांचा है ना, यह हॉर्स का ढांचा एक बहाना के समान है। एनिमल्स को लगता है कि यहाँ पे हॉर्स है और इस बहाना का प्रयोग हंटर करता है और उनका हंटिंग करता है एनिमल्स का। तो जो ये ढांचा होता है, इस ढांचा को ही बोलते हैं स्टॉकिंग हॉर्स, इस ढांचा को ही बोलते हैं स्टॉकिंग हॉर्स। और इसी का प्रयोग जब हम करते हैं समान इंग्लिश में तो स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब हो जाता है बहाना। फार्मर्स प्रोटेस्ट, समझ गए होंगे शायद आप, मतलब ए शिकारी के लिए बहाना हो जाता है, हॉर्स का उसने ढांचा बना दिया तो जानवर समझते हैं कि यह तो हॉर्स है और शिकारी के लिए क्या है, ढांचा, एक बहाना है हॉर्स के जैसा, जहां पर छिप कर आसानी से वह शिकार कर सकता है। फार्मर्स प्रोटेस्ट, जैसे दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर दिया है, किसानों का विद्रोह। सिम्स प्रतीत होता है ओनली, केवल, बहाना, ओनली और रहेगा, ओनली अ स्टॉकिंग हॉर्स, केवल एक बहाना प्रतीत होता है। किसानों का विद्रोह केवल एक बहाना प्रतीत होता है। नाउ ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लिखित। ब्लैक एंड व्हाइट और लिखित से क्या संबंध है, आप जिस पर भी लिखते हैं अभी नॉर्मली, जो शीट पर लिखते हैं, जो नोटबुक पर लिखते हैं, उसका कलर तो व्हाइट होता है, कलर इसका व्हाइट होता है, और जब इस पे लिखते हैं तो इंक आपकी इंक रहती है रेड, सॉरी रेड बोल रहा हूं, ब्लैक। इंक क्या होती है, ब्लैक। नॉर्मली आपकी इंक ब्लू होती है, लेकिन कोई भी कागजात जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लीगल जो वाइल्ड डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, जो वकील वगैरह बनाते रहते हैं, वहां पे जो उसकी इंक होती है ब्लैक होती है। चाहे छोड़िए वो दूसरी बात, कोई सीट पे आप जब प्रिंट लेते हैं तो सीट का कलर व्हाइट और प्रिंट के इंक का कलर ब्लैक ही क्यों होता है, क्योंकि पहले से ही परंपरा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो पेपर होगा उसका नॉर्मली परंपरा के अनुसार व्हाइट और उसका इंक होगा ब्लैक। इसलिए आपको जो प्रिंट मिलता है ना वो ब्लैक इंक से मिलता है, और इसी व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन को कहते हैं पहले से ही व्हाइट एंड ब्लैक में देना, मतलब लिखित, लिखित कहते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि व्हाइट एंड ब्लैक से लिखित क्यों बना। तो जब हम लिख कर कुछ बोलते हैं तो कहते हैं कि दिस इज व्हाइट एंड ब्लैक, लिखित। आप रिटेन भी कह सकते हैं कि दिस इज रिटेन, और आप उसे रिटेन की जगह पे आप उसे व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट भी, व्हाइट एंड ब्लैक नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट, पहले ब्लैक रहेगा व्हाइट बाद में रहेगा, क्योंकि किसी पेपर पे नहीं लिखेंगे तो पेपर का महत्व नहीं है, तो लिखना पहले होता है, इसलिए ब्लैक पहले और व्हाइट बाद में। राम कंप्लेंड, राम ने कंप्लेन किया अगेंस्ट द बीडीओ, बीडीओ के खिलाफ, बीडीओ मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। राम ने बीडीओ के खिलाफ कंप्लेन किया इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित में। राम ने बीडीओ के खिलाफ लिखित में कंप्लेन किया, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का प्रयोग कर दिया। एक अतिरिक्त जानकारी है, कंप्लेन के साथ हमेशा ही, अधिकतर, हमेशा ही नहीं, अधिकतर अगेंस्ट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगेंस्ट, अगेंस्ट इसलिए लगा हुआ है क्योंकि कंप्लेन के साथ सामान्यतः अगेंस्ट आता है। नाउ मूविंग अहेड, दैट इज लास्ट वन इज गिव इन। गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना, लेकिन हार कैसा मान लेना, दूसरों के दबाव के कारण हार मान लेना।
अब इसी ऊपर के ही सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। हमने वीडियो के खिलाफ कंप्लेन कर दिया, रिटेन में ब्लैक एंड व्हाइट कंप्लेन कर दिया है। अब जब कंप्लेन ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है तो वीडियो के खिलाफ तो एक्शन होनी है। वीडियो क्या करेगा, जो भी ये कर सकता है दबाव बनाएगा आप पर, हाँ आपको अनेक तरह से परेशान करने की कोशिश करेगा, तो आप अल्टीमेटली इससे परेशान होकर क्या करेंगे, हार मान लेंगे। परेशान होकर हार मानने को ही बोलते हैं गिव इन। अपने मन से हार मानने को बोलते हैं गिव अप। अपने मर्जी से हार मानते हैं, जैसे कि आप अगर सोचते हैं कि मैं एसएससी की तैयारी करूंगा और जब उसके बुक्स वगैरह देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, हम लगता है कितना पढ़ना पड़ेगा एसएससी के लिए, चलो एसएससी से नहीं मैं कोई और एग्जाम की तैयारी कर लेता हूँ जहाँ पे कम पढ़ना है। तो आप जब एसएससी का सिलेबस देखकर आप खुद हार मान लेंगे, किसी का दबाव नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे गिव अप करना, इसके भी हिंदी हार मान लेना। लेकिन किसी के दबाव में आप हार मान लेंगे उसे बोल देंगे गिव इन करना। अब इधर है, द ब्रेव डो नॉट गिव इन फ्रंट ऑफ अ चैलेंज। आप जानते हैं ना ब्रेव क्या है, ब्रेव एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले अगर द लगाते हैं तो प्लूरल बनता है और हिंदी होती है बहादुर लोग। तो बहादुर लोग डोंट गिव इन, हार नहीं मानते हैं, बहादुर लोग हार नहीं मानते हैं। फिर यहां से इन फ्रंट ऑफ अ चैलेंज, चैलेंज मतलब चुनौती, एक चुनौती के सामने, बहादुर लोग एक चुनौती के सामने हार नहीं मानते हैं। तो इस तरह से पूरे पांच जो idioms and phrases पढ़ा हमने, पहला था अल्फा एंड ओमेगा आदि से अंत तक, दूसरा था डैम्प स्क्वीब ऊंची दुकान फीचा फीका पकवान, स्टॉकिंग हॉर्स बहाना, ब्लैक एंड व्हाइट लिखित, और लास्ट में गिव इन हार मान लेना। ये पांच थे, आशा है आप सबको पांचों का उच्चारण, पांचों का जो वर्ड्स थे उनका मीनिंग, साथ में एक कैसे बना मैंने भी कोशिश किया समझाने का, और आपको पांच नहीं तो कुछ तो याद हो ही गए होंगे, एक दो बार देखेंगे तो पांचों याद भी हो जाएंगे। तो याद करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच।